अभी लड्डू भाई, पीयूष भाई और बाकी सब काम कर रहे हैं और मैं सबसे लेट आया हूँ। तो ये मेरे पहले पक्के गुस्सा कर रहे हैं और अभी ये काम कर रहे हैं। इनको देखो, ये जरा इधर तो देखो लड्डू भाई। भरो उमेश अंकल बना, दादाजी भी बैठे उधर, अंदर सजावट का काम का चल रहा है, अंकल जी भी कलर कर रहे हैं। ये मतलब गारे से दीवार बना रहे हमारे बना पीयूष भाई, दादाजी भी कर। ये 3 तारीख और अभी ये काम चल रहा है। शाम ब्याह को भी आज अच्छे से काम में ले लिया है। इतने तरह पे रखे मैंने लड्डू ने शाम जाने और बहन ने भैया बहन ने कहाँ गया भाई भाई और हमारा आदित्य भाई ने और मैंने सारी पोटली अभी रख ली है। लाओ तो सुन, अकेला उठा लेगा वो, फिर ज्यादा मत कर। ये पोटली पटकते हुए जी भास्कर भाई नीतीश भैया एकदम शांत माहौल था और एकदम अब अंकल टेंट किराना के सामान तरा पे भट्टी का सामान तरा पे ये ब्रो तरा पे का अलग ही काम है। तरा पे इसलिए लाए ताकि जो टैंकर लगेंगे पानी के उसके नीचे पाँव गीले ना हो, कीचड़ में ना हो, इसलिए तरा पे बिछाएंगे और साथ में बल्लियाँ हैं। <जी बार। laughs> अब ऊपर से गारा डाल दें क्या? गारा डाल दो। अरे स्कूल का अग्गा बाप कटेगा रे, कहाँ चक्कर में पड़ रहा तू? वुमन कार्यकर्ता। यहाँ से किराना का सामान लोड कर रहे हैं। किराना सामान अभी हमने सचिन भाई की दुकान से रख लिया है, अब आदर्श किराना स्टोर। तो शाम भैया, मैं और पीयूष और हमारा विपुल भाई जो भी बोर बीनने गया है, हम सब खेत पे से प्याज लेने आए। तो टेंट का काम चालू हो चुका है और फूल एक कट्टा भर के फूल आ गया है जो अभी यहाँ सजावट में काम आएगा। अरे एक बात सुनो, समिति मेंबर भी अब आने लग गए। सुविधा के लिए दो दो बल्लियों का सेट बना के टेंकर और गड्ढा, अभी और चल रहा है आगे प्रोसेस। तो अभी टाइम 5 बजे का हो गया है और थोड़ा सा ब्रेक लिया है हमने। मेथी के पराठे लाए थे तब सब मेथी के पराठे खा रहे हैं अभी। ये मेरे भी है, उमेश अंकल लेना, काम कर नहीं रहे बस हमको जोत रहे। देखो सबको लाइन से लाइन लगा दिया है।
थोड़े बहुत फूल कल के लिए बचा लिए हैं। और अब आप देखिए सजावट का पूरा काम चल रहा है। यहाँ पर का काम चल रहा है अभी, लगाओ लगाओ यार। अभी यहाँ पर गेट भी बन जाएगा, तो हो सकता है गेट बनने से पहले ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो गेट और ये सब कुछ आप कल देखेंगे वीडियो में। और इनका काम हो चुका है, तो भी अंकल दिनेश अंकल और शैलेश भैया घनश्याम भैया सभी ने पोज मत दो आप तो। ये क्या फ्लेम पेट लगवा रहे हैं ताकि आप लोगों को सुविधा हो, उतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। बहुत बढ़िया। तो बलून्स लगाने वाले आ गए, थीम हमने अलग सेट कर ली है। इनका फ़ायदा और इनको देखने का फ़ायदा तो आप कल ही उठा सकते हैं जब ये लग के तैयार हो जाएंगे। पर मैं आपको इतना सा बता दूं, ये बलून्स वहाँ पर गेट पर और बाहर और बाकी जगह सीक्रेट लग जाएंगे। ये ब्लॉग प्राइवेट ब्लॉग है, मैं अपनी तरफ से वीडियो बनाता हूँ, तो अगर किसी के नाम या कोई वीडियो में नहीं आ पाया तो मुझे माफ़ करना। अगली वीडियो में हो सकता है तो आप ज़रूर आएंगे। बाकी लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए।